पूरा रास्ता पे देखो पेट्रोल गिरा है। जब नसीब खराब रहता है, मतलब एक घंटा करीबन चला गया। और 89 किलोमीटर है, वो भी यूपी बिहार के बॉर्डर होके। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर क्रिस। एंड फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग इकट्ठा राइड कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद। एंड बहुत दिन से हम लोग जिक्र कर रहे थे कहाँ पे जा रहे हैं, तो आज रिवील कर देते हैं। सो कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फाइनली? केदारनाथ। यस, तो भोला बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं केदारनाथ। तो बहुत लंबा राइड होने वाली है, एकदम करीबन यहाँ से 1700 से 1800 किलोमीटर है कोलकाता से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो करीबन 3 दिन 4 दिन तो लग ही जाएगा जाने में। तो स्टे ट्यून विथ माई चैनल गाइस, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा और रूट जितना भी हो सके डिटेल्स में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो स्टे ट्यून, एंड अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड वीडियो आने वाला है। यस यस यस, एंड लेट्स गो, अभी निकलते हैं। टाइम हो चुका है 3:05, तो सुबह का टाइम है, अभी फटाफट निकलते हैं, लेट्स गो। लाइटें ऑन कर लेते हैं। 106 रुपया पेट्रोल, माय गॉड कितना बढ़ चुका है। और सुबह सुबह मैं निकला, क्योंकि सुबह आप बोलो या रात भी कह सकते हो, 3:30 बज चुका है। तो मैं निकलने का एक ही रीज़न है, सिटी ट्रैफिक। सिटी ट्रैफिक अगर अवॉइड करके मैं डानकुनी तक कम से कम पहुंच जाए तो बढ़िया रहेगा। अभी तो अंधेरा अंधेरा रहेगा। चलो हम लोग हाईवे पे जाके फिर बातें साथे करते हैं। सो गाइस, हम लोग कुछ देर के लिए रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। छोटा ब्रेकफास्ट एक्चुअली ऑमलेट एंड चाय चाय ये सब पीने के लिए। तो ऑलरेडी 150 किलोमीटर तो कवर हो चुका है, और मैं अपना बाइक दिखा देता हूँ एक बार, फुल्ली लोडेड अपना चीता, ये देख सकते हो, एकदम कॉम्पैक्ट सेट है ना, मस्त लग रहा है। चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं या यहाँ से फटाफट निकलते हैं। चलो फाइनली हम लोग एक्सप्रेस वे पे आ चुके हैं, एंड यहाँ से वाराणसी दिखा रहा है, जो आज का डेस्टिनेशन हम लोग सोचे हैं 533 किलोमीटर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। एंड दो भाई से भी मुलाकात हो गया, सब्सक्राइबर मतलब सब्सक्राइब किया मेरा चैनल को, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ना प्लीज़। पूरा रास्ता पे देखो पेट्रोल गिरा है, और बहुत स्लिपरी हो गया रास्ता, इतना महंगा तेल ये गिर गया। हम दूर से देख रहे थे, एक धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, तो एक अंकल ने इशारा दिया धीरे धीरे चलो, मतलब पूरा रास्ता पेट्रोल से भरा हुआ था। अभी हम लोग आसनसोल सिटी मतलब क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड आसनसोल सिटी चला जाता है, और हम लोग सीधा जाएंगे मतलब धनबाद होके जाना पड़ेगा। देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे झारखंड में, वेस्ट बंगाल को छोड़ के। धनबाद में हम लोग एंटर कर रहे हैं। देखो खूबसूरत नज़ारे, अभी से दिखना चालू हो गया। मेरे राइट हैंड साइड में देखो पहाड़, छोटा छोटा टीला जैसा पहाड़ दिखेगा आप लोगों को, मतलब टीला भी कह सकते हो, पहाड़ भी कह सकते हो। तो ये सब नज़ारे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा झारखंड में आते ही, धनबाद झारखंड, और चारों तरफ ग्रीनरी तो भरपूर मिलेगा।
देखते हैं झारखंड बॉर्डर पे रुकता है या नहीं हम लोगों को, और कोविड टेस्ट या ऐसा कुछ रूल्स वगैरह है या नहीं। इसी वाला लोकेशन चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेकिंग होता था। नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है। चलो बढ़िया, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओहो, आगे का नज़ारा देखो, चारों तरफ देखो पहाड़ ही पहाड़, क्या मस्त लग रहा है ना। और बीच में से रोड निकल रहा है, तो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी 305 किलोमीटर जो ओडो पे दिखा रहा है, एंड मोर 396 किलोमीटर। चलो भोले बाबा के नाम लेके पहुंच ही जाएंगे आज ही। ओहो, क्या मस्त लग रहा है ना, रोड भी देखो और चारों तरफ का नजारे देखो। A1 A1, मैं तो बस आके सेक रहा हूँ, ऐसा रोड का कब से तलाश था मेरे को। मैं और अपना चीता दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। सो गाइस, हम लोग रुके हैं चौपरन नाम का एक जगह पे, थोड़ा वाटर ब्रेक ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? नींद आ रही। तो थोड़ा वाटर ब्रेक लेते हैं क्योंकि पानी भी पीना ज़रूरी है। और बाकी है करीबन 280 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, बहुत लंबा रास्ता है ना, बहुत ही लंबा। करीबन हम लोग 420 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो चुका है 1, तो होपफुली हम लोग 7-8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे शाम के। होटल तो बुक हो ही चुका है ना, तो होटल बुक हो चुका है, हम लोग 7-8 बजे होपफुली पहुंच ही जाएंगे। लेट्स सी। सामने वेदर देखो गाइस, अचानक चेंज हो गया, और उधर शायद बारिश भी हो रहा है। देखो फुल क्लाउडी है, एकदम फुल क्लाउडी है। जब नसीब खराब रहता है, मतलब 1 घंटा करीबन चला गया। चलो थोड़ा सा भीगे है, और अपना कैमरा वैमरा सब कुछ फंक्शनल है या नहीं पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा गोप्रो में साउंड ही नहीं आ रहा है। मैं एक बार प्रीव्यू करूंगा, उसका भी कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। चलो लेट्स गो, और 320 किलोमीटर। बारिश ने ना पूरा हालत ख़राब कर दिया, मतलब क्या बताए, बार बार बारिश आ रहा है। तो अभी मैं गोप्रो अंदर डाल दूंगा, कुछ देर बाद मोटर ब्लॉक करूंगा जब ये वेदर थोड़ा क्लियर होगा। मतलब स्काई देख सकते हो, चारों तरफ बादल है चारों तरफ, और यहाँ पे थोड़ा पैकिंग कर लेते हैं। हम लोग झारखंड क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम लोग गोया में है, मतलब बिहार में। तो बिहार क्रॉस करने के बाद यूपी पड़ेगा, करीबन 230 किलोमीटर और बाकी है, और हम लोग 478 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुके हैं। दिस इज़ अपडेट, एंड रास्ता पीछे काफ़ी अच्छा था, थोड़ा थोड़ा डाइवर्शन था बहुत सारा, लेकिन ऐसे 4 लेन आप लोगों को मिल ही जाएगा। फिर से बारिश, फिर से गोप्रो अंदर, ऐसा ही चलता रहेगा सिलसिला। चलो फाइनली वेदर थोड़ा क्लियर हुआ, अब जाके मैं अच्छे से मोटो ब्लॉग कर पाऊँगा। पूरा दिन एकदम बारिश बारिश बारिश, क्या बताए, गोप्रो अंदर बाहर एक भी ब्लॉग में मतलब थोड़ा भी इनपुट नहीं दे पा रहे थे। और ड्रोन का बात तो छोड़ ही दीजिए, मतलब ड्रोन का तो मौका ही नहीं मिला। सो गाइस, ऑलरेडी 550 किलोमीटर डन, और 150 किलोमीटर बाकी है। अभी चाय का जूस के ले रहे हैं, इसके बाद थोड़ा एनर्जी गेन करके फिर निकलेंगे। बारिश फुल बारिश मिल रहा है आज, मतलब झारखंड जब हम लोग एंटर किए उसके बाद कंप्लीट बारिश मिल रहा है। रास्ता का हालत अच्छा है, उसी वजह से थोड़ा बच गए,
बाइक का हालत देख सकते हो, पूरा गंदा हो चुका है, पूरा गंदा हो। तो अभी यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करके फिर निकल जाएंगे, होपफुली 7:30 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। देखो छोटा 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 हिल्स, क्या मस्त लग रहा है ना। और कल के बाद तो और दिखेगा। और हम लोग जिस जगह पे जा रहे हैं वो तो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम केदारनाथ। और बाकी है 98 किलोमीटर, फाइनली 600 किलोमीटर क्रॉस कर दिए। अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, क्योंकि जब डे लाइट से नाइट लाइट में जाते हैं ना, मतलब डे टाइम से हम लोग जब नाइट टाइम में जाते हैं, तो अगर कंटिन्यूसली राइड करते हो तो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसीलिए उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि आई सेट हो जाए। अंधेरा में और 89 किलोमीटर है, वो भी यूपी बिहार के बॉर्डर होके, थोड़ा सा तो डर लगता है ना, क्योंकि बहुत सारा किस्से सुने हैं हम लोग पहले। चलो उसके बारे में बात ना ही करें तो ही अच्छा है। भोले बाबा है, पार करा देगा। एक्चुअली मैंने बहुत ट्राई किया शाम होने से पहले एटलीस्ट सिटी तक पहुंच जाए, लेकिन क्या करें यार, इतना बार बारिश हो रहा है। हम लोग तो रुके ही नहीं आज ज़्यादा, चलते जा रहे, लेकिन बारिश के वजह से ना बहुत लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, राइड का हिस्सा है, प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। फाइनली हम लोग वाराणसी पहुँचे, और हम लोग का होटल यहाँ से दिखा रहा है करीबन 6 किलोमीटर। चलो होटल पे पहुँच के थोड़ा रेस्ट करेंगे। बहुत लंबा राइड था आज का, करीबन 700 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है। बनारस के गलियों में घूम रहे हैं, पता नहीं हमारा होटल कब मिलेगा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। फाइनली कितना टाइम किया हुआ अभी? हम लोग 8 बजे पहुंचे, 8 बजे पहुंचे, 8:30 बज चुका है। वाराणसी में से बहुत पहले पहुंच चुके थे, मतलब गोल गोल घूमे, 7:30 बजे ऑलमोस्ट हम लोग वाराणसी में घुस गए थे, है ना। तो हम लोग बहुत ट्रैफिक, हम लोगों का टाइम लगा तो फिर कितना 16 घंटा लगा एक्चुअली। टोटल टाइम लगा हम लोगों का फ्रॉम कोलकाता, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे 3:30 बजे, एंड यहाँ पे ख़त्म किए 7:30 बजे, वाराणसी में एंटर किए। तो जिस होटल पे हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, इसका मैं रूम टूर दे दूंगा कल सुबह, अभी थका हुआ हूँ। हाँ, तो इस होटल का नाम क्या है? होटल पिकासो। इसका नंबर भी मैं नीचे डाल दूंगा अगर आप लोगों को बुकिंग करना है। हम लोग कहाँ से बुकिंग किए थे? मेक माई ट्रिप। और क्या प्राइस था? प्राइस था 850 विथ टैक्स एंड एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल गाइस, हम लोग नॉन एसी कमरा ही लिए क्योंकि आज का रात ही हम ठहरेंगे। हाँ। कल सुबह फिर निकल जाएंगे हम लोग टूवर्ड्स लखनऊ, या उससे भी आगे हो सके तो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबल है आगे जाएंगे। यस। और रास्ता का हाल आप लोग तो देखे मेरा वीडियो में, थ्रू आउट द वीडियो बारिश हुआ था, नहीं तो हम लोग बहुत पहले पहुंच जाते हैं। एकदम कंडीशन बहुत अच्छा है, एकदम मक्खन है। मतलब सिलीगुड़ी वाला जो रास्ता है 600 किलोमीटर है, वो थोड़ा कम है लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है क्योंकि 4 लेन 6 लेन ऐसे ही रास्ता है, हमें मतलब पूरा रास्ता ऐसा ही है। तो यही था आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। और कोविड का टेस्ट रिपोर्ट कहीं पे नहीं लग रहा है। हम लोग होटल में भी चेक इन किए और 3 स्टेट पे आज गए, जैसे झारखंड, बिहार एंड यहाँ पे। दैट्स ऑल गाइस, आई वांटेड टू शेयर विथ यू। आई होप आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है थ्रू आउट माई वीडियो। और कुछ भी आप लोगों के पास क्वेरी रहेगा तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर कॉमेंट पे पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।